ये वक्त जरा भारी है, कंधों पे जिम्मेदारी है, लेकिन अब कुछ कर जाने की हाँ आई अपनी बारी है। हर हाथ को हाथ बढ़ाना है, इस वक्त से लड़ते जाना है। ये देश बुलाता है तुमको, इस देश को पार लगाना है, बस अब ये जंग हमारी है, हाँ आई अपनी बारी है। नमस्कार सरस, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस इन मोस्ट ऑफ द रीजंस। क्योंकि पोर्टल इतने दिनों के बाद खुला है, द होल कंट्री इज काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ अस, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कस्टमर्स की डिमांड और उनकी नीड्स को पूरा करें। तो आइए इस एडिशन में जानते हैं कि किस तरह हम सब मिलकर इंडिया को सेव कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस एडिशन में भी चार सेगमेंट्स होंगे, एक दिन का सेलर, वोट फॉर ग्रोथ, क्या नया क्या पुराना, एंड सीक्रेट्स ऑफ अ सुपर सेलर। तो आइए शुरू करते हैं। If I were a seller for just one day, my primary aim would be to make sure that my premises stay clean to work in. I would be dedicated to fulfilling my customer needs, and by adopting precautionary measures, I will ensure that my customers, my employees and I stay safe and healthy. What would I do to keep my premises clean? First, I would get my premises deep cleaned twice a day using disinfectants. I would test myself for temperature and other symptoms and also get my employees tested for the same. I would ensure the usage of masks and gloves every day and would also make sure that my employees do the same. I would also make sanitizers available for everyone in the workplace. I would make sure that everybody in the premises maintains a distance of at least 6 feet at all times. And for easier pickups, I would place all the orders to be picked up in a designated spot before the FE arrives. Also, finally, I would train all my employees on the precautionary measures to be taken every day before they start working. And doing all of this will ensure that my premises are clean and keep my employees and myself and my customers safe and healthy. अब जब हम प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के दरवाजों तक पहुंचाने लगे हैं, तो ग्रोथ के भी दरवाजे खुद ब खुद खुल ही जाएंगे। In these times, the two things that can help you grow your business would be pricing suggestions and advertising. Pricing suggestions आपको बताएंगे आपके प्रोडक्ट्स के सबसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट्स, जिस पर सेल करने से मिलेगी सबसे ज्यादा सेल्स, और फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग पे कैंपेन क्रिएट करने से आपको मिलेगी आपके प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी, और कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखेंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे भी। Mr. Sellers, I hope you're doing well. I am Apoor Verma and I am here to take you through the segment called Kya Naya Kya Purana. So, काफी बार आप लोगों की feedback हमें आती थी कि you want to analyze your business on Flipkart in a concise manner. तो इसी thought के साथ हमने एक नया page develop किया है called Earn More Page under the Growth tab. इस tab के अंदर, इस page के अंदर you can see a 360 degree view of your business. What I mean by 360 degree view is basically your returns, your cancellations, your revenue, everything which are your key business metrics. Not only that, you can view the business performance for a particular time frame. और इसके साथ हमने उसमें बहुत सारे सिंपल ग्राफ्स ऐड किए हैं, जिसके थ्रू आप अपना परफॉर्मेंस को आराम से समझ सकते हो कि कहाँ आप अच्छा कर रहे हो या कहाँ बुरा कर रहे हो। एंड बेसिस दैट ऑफ कोर्स यू कैन फ्यूचर प्लान योर बिजनेस टू बी स्केल्ड अप। दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। मुश्किल था माना, कुछ सपने तोड़ गया, पर हम अब है पूरे तैयार। आओ फिर पकड़े रफ्तार, माना थम गई थी ख्वाहिशें, कदम पड़ गए
थे धीमे धीमा नहीं हमको स्वीकार फ्लिपकार्ट पे बिक जाएगा बेटा दुकान तुम जाने नहीं दोगी घर बैठे बैठे साड़ियां बिकेंगी नहीं कैसे चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा ये देखिए फ्लिपकार्ट पर मैंने इस पर पहले से ही रजिस्टर कर दिया था ये देखिए और अब ऑर्डर्स भी आने लग गए अरे वाह तो फिर साड़ियों का नया स्टॉक ऑर्डर कर दें को देख नया आकाश